ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आखिरकार 2023 आपकी राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, 2023 में हमें क्या चीज़ें मिलेगी, 2023 में हमें कौन से उपाय करना चाहिए, कौन सी सावधानी रखना चाहिए, किस क्षेत्र में हमें लाभ मिलेगा, क्या नौकरी में प्रमोशन होगा, क्या धन हमारे पास अच्छा आएगा, और 2023 में हमारी उन्नति होगी कि नहीं होगी, और जीवन में हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, 2023 में हमारा मकान बनेगा कि नहीं बनेगा, और 2023 आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, आप आज इस छोटे से वीडियो में पूरा 2023 का अपने बारे में विस्तार पूर्वक जान सकते हैं। दोस्तों, 2023 जो शुरू होने वाला है, अभी 2 महीने लगभग हैं उसे, यहाँ से 1 महीना ही है आप कीजिएगा, तो उससे पहले ये ऑब्जर्वेशन अगर आप देख लेंगे, जो गणना है वो समझ लेंगे, तो 2023 में आप कई सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव और अच्छी हो सकती है। और जितनी सारी आपने नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव वीडियो देखा है कि ऐसा होगा वो होगा, उन सबको बाहर निकाल कर इस वीडियो को देखना सुनना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो में जो बताई गई जानकारी, जितने साल जो भी आज तक हमने 2017 से चैनल है हमारा, तब से जो जो चीज़ें बताई वो सब चीज़ें जातकों के साथ हुई है और वैसा ही पूरा उनका साल गया है। हाँ, कुछ प्रतिशत लोगों के साथ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी 100% लोगों पर मैच नहीं होती है आपकी राशि पर, 85% के लोगों पर मैच होती है, 15% जो रेयर एंड रेयर केस में, उनके साथ चीज़ें नहीं होती है। सबसे पहली बात मैं शुरू करूँ, उससे पहले एक निवेदन है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात आप कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, 2023 में सबसे पहली और मुख्य बात, इसे अपने कान में बिठा लें, 2023 हर एक क्षेत्र में आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा, चाहे आर्थिक रूप हो, पारिवारिक रूप हो, नौकरी हो, जॉब हो, रोजगार हो, हर एक पहलुओं पर बहुत ज़्यादा सकारात्मक बदलाव होगा। 2023 आपके जीवन में उन्नति लेकर आएगा, 2023 आपको धन लाभ लेकर आएगा, 2023 आपके व्यापार की वृद्धि लेकर आएगा, 2023 आपके जिन व्यवहारों में, जिन रिश्तों में खटास आ चुकी है उनमें मिठास आएगी, और 2023 आपके जितने सारे रुके हुए काम हैं उनमें तेजी आएगी, और ये तेजी आपको जनवरी महीने से ही दिखाई देगी, मकर संक्रांति के बाद से, ये बात मेरी याद रखना दोस्तों। तो 2023 आपके लाइफ में कई सारे सकारात्मक और बड़े बदलाव लेकर आएगा, खुशियों के पल आएगा, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में घटित होने वाली है। अब आप कहेंगे कि सभी अच्छा होगा, बुरा तो कुछ होगा ही नहीं, जैसे बुरा जो होने वाला है उस पर आपको विशेष ध्यान देना है, जून महीना सावधानी के साथ काटें बस, और 11 जो महीने बहुत अच्छे हैं, जून में थोड़ा सा आपकी राशि के जातकों को और किसी भी राशि के जातकों के लिए सावधानी बरतें दो। उपाय, गुरु मंत्र का जाप करें, हमेशा सकारात्मक रहें, और महत्वपूर्ण बात, ओवरथिंक करने से इस साल बचना है, ओम नमः शिवाय का जाप करें और कर्ज लेने से बचें, बस ओम नमः शिवाय।